सौर गांधी के नाम से मशहूर प्रोफेसर चेतन सोलंकी गुरुवार को सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर की यात्रा पर निकले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। देखिए खास रिपोर्ट। सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के रूप में पहचाने जाने वाले प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी अब मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल में सोलंकी की सोलर एनर्जी स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस में सोलंकी खुद मौजूद रहेंगे और अगले 11 साल तक मध्य प्रदेश के साथ देश भर में जागरूकता अभियान चलाएंगे। मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चेतन सोलंकी की बनाई गई सोलर बस का निरीक्षण किया और सोलर ऊर्जा से चलने वाले घर का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ नवीन ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद रहे। माफी चाहता हूँ, मैंने ना आपके साथ ही चाहता था, लेकिन मैं शरीर से नहीं रहूंगा, तुम मन को आपके साथ। अरे एक फैसला और मैं कर रहा हूँ कि सोलर एनर्जी के मामले में डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये मैं आज हम आप जा रहे हैं कि वहां से आपको पूछ करें, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान जरूरी नहीं है कि आपके सामने बैठ गए। आपसे सलाह मशवरा करते रहेंगे, आप मार्गदर्शन देते रहिए। आप इस महाअभियान के लिए जो रानी माता की सेवा का अभियान, भारत की संस्कृति वो संस्कृति है जो केवल अपने लिए जीने की बात नहीं करती, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, ये विश्व के कल्याण का काम है। रात के अभियान से हमें जो प्योर ऊर्जा है, सिक्योर और सिक्योर ऊर्जा, इसका उपयोग करके हम आने वाली पीढ़ियों को भी सिक्योर करें, अपनी धरती को भी बचाएं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के अधिक प्रयोग पर बल दिया। और उस अस्तित्व को बचाना है, उस पर प्राणी मात्र के अस्तित्व को बचाना है, तो हमको कार्बन उत्सर्जन कैसे कम, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का कैसे उपयोग करें, यत्न आवश्यक हो गया। सूरज की ऊर्जा, अभी हमने सूर्य की उपासना की, हमारे देश में सबसे प्रमुख अगर हमारी संस्कृति में मंत्र है तो गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। परमात्मा की उपासना करते हैं तो भूमत प्राणाधार दुख विनाशक सुख स्वरूप तेरे अतिरिक्त में और किसकी उपासना करूं, मैं तेरे तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करता हूं और कहते हुए सूर्य का ध्यान करता हूं। सूर्य जगत की आत्मा है और उनसे जो एनर्जी मिलेगी एनर्जी। वहीं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने ऊर्जा स्वराज यात्रा को क्रांतिकारी कदम बताया। आज ऊर्जा स्वराज यात्रा, एनर्जी स्वराज यात्रा, यहाँ से चेतन सिंह जी सोलंकी, जो आईआईटी में एक बहुत बड़ा नाम, जो अपने प्रदेश और देश में नाम कर चुके हैं, वो 11 साल तक इस यात्रा को लेकर जा रहे हैं। उसमें प्रदूषण को बचाना और बचत करना और रोजगार दिलाना सब उसमें जो सब्जेक्ट हैं। मेरा मानना है कि एक बस में 11 साल तक रहना, 2,00,000 किलोमीटर तक की यात्रा करना, 28 राज्यों को छूना, अपने आप में एक बहुत महत्वाकांक्षी यात्रा है। मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ विभाग की तरफ से, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, क्योंकि ऐसा क्रांतिकारी कदम
जो आज वर्तमान में मानव जाति को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम था वो उन्होंने आज उठाया कि अपन प्रदूषण को कैसे कम कर सकें, इनकम कैसे बचा सकें, सब बातों को ध्यान में रखते हुए यात्रा आज प्रारंभ कर रहे हैं। सोलर गांधी के रूप में पहचाने जाने वाले चेतन सोलंकी ने कहा कि एनर्जी स्वराज यात्रा के दौरान लोगों को सोलर ऊर्जा के बारे में जागरूक किया जाएगा। का शुभारंभ हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ और ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो विश्व में पर्यावरण परिवर्तन हुआ है और उसका जो मुख्य कारण पर्यावरण परिवर्तन का रहा है, जो हम फॉसाइल एनर्जी का उपयोग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, एलपीजी, सीएनजी सब का उपयोग करते हैं, तो हमारी ज़रूरतें तो पूरी कर लेते हैं परंतु साथ में हमारा नुकसान ही करते हैं। इसकी चेतना सभी को नहीं है, 99% लोग नहीं समझते आज की तारीख में कि हम जो एनर्जी का उपयोग करते जीवन जीते हैं उससे हमारा ही नुकसान है, हमारे बच्चों का ही नुकसान है। और जब से 1850 से जब इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड हुआ तब से ये एनर्जी का उपयोग चालू हुआ है, परंतु उसके पहले हमारा जो पूरा जीवन सोलर एनर्जी पे चलता था। तो ये जो इतने दिनों में जो हम विचलित हुए अपने रास्ते से उसको ठीक करने के लिए भी लंबा समय लगेगा। इसी के लिए 11 साल के लिए एनर्जी स्वराज यात्रा की जो मुहिम चालू की है मैंने, ताकि हम सूर्य देवता को, सूर्य की रोशनी को वापस एक सेंटर बना सके, हमारे अस्तित्व का सेंटर बना सके। और जिस तरह से पर्यावरण परिवर्तन के जो आंकड़े आ रहे हैं वो एकदम डरावने हैं। मैंने जैसे कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मनुष्य के अस्तित्व पे ही खतरा है, तो जब मनुष्य के अस्तित्व पे खतरा है तो हम आर्थिक आकलन के हिसाब से नहीं कर सकते कि ना कि सस्ता है कि महंगा इसलिए करूँगा। जब हम इमरजेंसी में होते हैं, जब हॉस्पिटल जाना होता है इमरजेंसी में, तो हम ये नहीं सोचते कि एम्बुलेंस सस्ती है कि महंगी है, हम जाते ही जाते हैं। तो उसी तरह से एक तरह से इमरजेंसी आ गई है दुनिया में और वो एनर्जी के कारण हुई है और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये एनर्जी स्वराज यात्रा एक तरह से एक आंदोलन है, जन आंदोलन। विश्व में कई सारी सरकारें, भारत सरकार खासकर में बहुत बड़े लेवल पर प्रयास कर रही है। हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़ा विजन है उनका सोलर एनर्जी के, इसमें मुख्यमंत्री जी का विजन है, परंतु जो इस करेक्शन को, जो इस बदलाव को करने की ज़रूरत है वो सिर्फ सरकारों से नहीं हो सकता। ये जब तक जन जन इसके बारे में चेतना नहीं आएगी, समझे नहींगे कि हम सभी को इसमें योगदान देना है, आहुति देना है, तब तक सफलता नहीं हो सकती। और चूंकि वातावरण इतना ज़्यादा बदल गया है कि हमें इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हुए बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, इसीलिए जन आंदोलन की ज़रूरत है। और जैसा कि गांधी जी हमेशा करते थे, जब भी एक आंदोलन लाना हो जनता के साथ में रहकर, जनता के बीच में उन्होंने दांडी मार्च किया था, नमक कानून तोड़ा था, तो सिर्फ जाके नमक कानून नहीं तोड़ा था, कई सारे गाँव से यात्रा करके लोगों को चेतना फैला के फिर नमक कानून तोड़ा था। उसी तरह से ये यात्रा के माध्यम से भी ये चेतना फैला के हम एनर्जी में आत्मनिर्भरता लेके आए, सोलर एनर्जी पे अपना जीवन चले, उसी के लिए ये यात्रा चालू की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झिरनिया तहसील के छोटे से गांव में जन्मे चेतन सोलंकी आईआईटी मुंबई के छात्र रह चुके हैं। शादीशुदा सोलंकी अब सौर ऊर्जा की जन जागृति के लिए 11 वर्षों तक अपने परिवार से पूरी तरह दूर रहेंगे। चेतन पिछले 20 वर्षों से सौर ऊर्जा पर कार्य कर रहे हैं। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।